Cannibalism. The eating of human flesh by a human being. नरभक्षण एक ऐसा कृत्य या अभ्यास है जिसमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का मांस खाया करता है। तो हेलो दोस्तों, आपने गए कई सालों में नरभक्षण की तरह तरह की खबरें सुनी होगी। मनुष्य प्रजाति के लिए नरभक्षण एक खौफनाक शाप है। कैसे कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को खाने की सोच सकता है, सोच के ही घिन आ जाती है। हम आज एक ऐसी ट्राइब यानी कि जनजाति के बारे में बात करने वाले हैं, जो जनजाति आज भी नरभक्षण करती है, यानी आज भी अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे मनुष्य का मांस खाती है। चलिए जानते हैं विस्तार में इस जनजाति के बारे में। पश्चिमी वैज्ञानिकों का पहला दस्तावेजी संपर्क पश्चिमी कोरोवाई के सदस्यों के साथ मार्च के 17 से 18 1974 को हुआ था। एक ड्रियू बिन्स्की नामक अमेरिकी व्यक्ति अकेले ही एक खौफनाक जनजाति की खोज करने धरती के ऊपर स्थित दूरस्थ जंगलों में अपनी यात्रा की शुरुआत करता है। कई सालों की खोज के बाद जहां ड्रियू की खोज पूरी हो जाती है, जहां ड्रियू की मुलाकात एक ऐसे जनजाति से होती है जो आज तक उनके इलाकों से बाहर कभी आए ही नहीं। वह आज भी हमारे पूर्वजों की तरह जंगलों में रहे हैं, जैसे हमारे पूर्वज अश्मयुग यानी कि स्टोन एज काल में रहते थे, जो आज अभी तक धनुष और तीर से शिकार कर रहे हैं। जिस जनजाति का नाम था कोरोवाई, जिन्हें कोलुफो भी कहा जाता है, वे लोग हैं जो इंडोनेशियाई प्रांतों में दक्षिण पापुआ में रहते हैं। उनकी संख्या लगभग 3000 लोगों की है, जिन्हें कोई अंदाजा भी नहीं था उस जंगल के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया एक्सिस्ट करती है, और जहां ना कोई कानून ना ही कोई गवर्नमेंट बॉडी एक्सिस्ट करती है। उनके बारे में जानने के लिए ड्रियू उस प्रजाति के साथ रहने लगा। उनके साथ रहते रहते उनकी भाषा को जानने लगा। एक दिन शाम के वक्त जंगलों में घूमने के दौरान उससे पता लगता है कि उस जनजाति के सारे लोग एक मैदान में इकट्ठे हुए हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ड्रियू भी वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वहां का नजारा देखते ही डर से कांपने लगता है। वहां ड्रियू ने ऐसा क्या देखा, चलिए जानते हैं। वो देखता है कि वहां कई लोगों ने एक उनमें से ही एक आदमी को लकड़ी से बांध कर लाया। सारे लोग गोल करके खड़े थे। देखते ही देखते उन लोगों ने उससे वही जला दिया। वह देखता है कि उन लोगों ने उस जलाए गए आदमी को खाना शुरू किया। ड्रियू मन ही मन सोचने लगा, कहीं इसके बाद मेरा भी नंबर तो नहीं, ये लोग तो मुझे भी खा जाएंगे। लेकिन तब उससे सच्चाई का पता चलता है। क्या थी सच्चाई, चलिए जानते हैं। ड्रियू जब इस बारे में जानने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि कोरोवाई जनजाति मनोरंजन या पोषण मूल्य के लिए मानवों को नहीं खाते, बल्कि यह उनके संस्कृति का हिस्सा है। यह एक सजा का खौफनाक रूप है, जो देख के फिर से कोई गलत चीज ना करे। जो आदमी गलत काम करते हुए पकड़ा जाएगा, जैसे कि चोरी या कोई और गलत काम, उससे ये लोग लकड़ी पे जला देते हैं और उसका मांस खाते हैं। मैं तो बोलता हूँ हमारे यहाँ के सारे रेपिस्ट को इस जनजाति के हवाले कर देना चाहिए, जिससे फिर से कोई ऐसा दुष्कर्म करने से पहले 4 बार सोचे। अब सवाल ये भी उठता है, जला देने के बाद उसको उसकी सजा तो मिल गई, लेकिन उन्हें क्यों खाते हैं? इसके पीछे भी एक कारण है, दुष्ट दानव हकुआ। कोरोवाई लोग एक बुराई के दैत्य हकुआ में भी विश्वास करते हैं, जो किसी के शरीर को कब्जा कर सकता है, उन्हें अंदर से खा सकता है और उन्हें भूतपूर्व बना सकता है। उनका यह विश्वास है कि दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को हकुआ के द्वारा कब्जा किया गया है, इसलिए उन्हें मार डालना और खाना जरूरी है, नहीं तो हकुआ सारे लोगों पे कब्जा कर लेगा और अच्छाई खत्म हो जाएगी। कोरोवाई यह मानते हैं कि रहस्यमय मौतें, जैसे कि बीमारियां, हकुआ के रूप में होने के कारण होती है। कहा जाता है कि हकुआ खुद को दोस्त या परिवार के सदस्यों के रूप में छुपा लेते हैं, ताकि वे जनजाति के विश्वास को प्राप्त कर सकें, ताकि वे बाद में उन्हें मार सकें। नरभक्षण ये एक कोरोवाई लोगों के न्याय प्रणाली का हिस्सा है, जिससे कि उनके समाज में अच्छाई टिकी रहे और उस जनजाति के लोगों की रक्षा कर सके। जनजाति के सदस्य मानव शरीर के बाल, नाखून और जननांगों को छोड़कर हर हिस्से को खाते हैं। 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मांस खाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि कोरोवाई विश्वास करते हैं कि हकुआ खाने से रोग का खतरा हो सकता है। रिसर्चर्स का अनुमान है कि कोरोवाई जनजाति के लगभग 3000 सदस्य घने जंगल में वृक्षों की ऊंचाई पर आकर्षक घरों में रहते हैं। ये घर उन्हें पड़ोसी जनजातियों के साथ के युद्धों से होने वाली हमलों और आग से बचाते हैं। समुदाय में स्त्री और बच्चे नियमित रूप से शत्रु जनजातियों द्वारा अपहरित और गुलामी में बेचे जाते हैं। जनजाति के सदस्य अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अद्वितीय लकड़ी के घर बनाकर और उच्च ऊंचाई पर रहकर सुरक्षित रखते हैं।
अब ये जनजाति और उनका इलाका एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जहां पर्यटकों को जाने की अनुमति दी गई है, ताकि इस कोरोवाई जनजाति के बारे में और जानकारी प्राप्त करी जाए। अनुमति देना एक अलग बात है, लेकिन ऐसे लोग जो आज भी नरभक्षण करते हैं, क्या आप ऐसे लोगों में जाने की हिम्मत करोगे? कमेंट्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुनिया में होने वाली ऐसी अजीबो गरीब चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।